नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेटा नॉलेज क्लब में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन सभी वीडियोस का भरपूर फायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को HD क्वालिटी में नहीं देख पा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सेटिंग्स में जाकर 720 पिक्सल्स को चूज कर लें ताकि आपको बेस्ट ऑफ वीडियो क्वालिटी दिखे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस का पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं डिस्कस करूंगा पार्ट टू जिसके अंदर हम 4 से 5 सब टॉपिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उन सब टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या आज तक किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे कि आपका JRF एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि JRF एग्जाम क्लियर करने के लिए भी हमें कम से कम 25 सब्जेक्टों को तो पढ़ना ही है और हमें अपनी स्टडी को इतना टू द पॉइंट रखना होगा कि हमारा कहीं पे भी टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन दोस्तों, ये गारंटी मेरी है कि यदि आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो रिसर्च मैनेजमेंट के सभी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे। दोस्तों, रिसर्च हाइपोथेसिस बहुत तरह के होते हैं, जैसे सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस और भी बहुत तरह के। तो आइए समझते हैं विभिन्न प्रकार के हाइपोथेसिस वन बाय वन। पहला है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिसमें एकमात्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एकमात्र डिपेंडेंट वेरिएबल उपस्थित होते हैं और इन दोनों के बीच में संबंध को बताया जाता है। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे हम कॉज वेरिएबल भी कहते हैं और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे हम इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे स्मोकिंग से कैंसर होता है या उच्च स्तर की बेरोजगारी से अपराध जन्म लेता है। तो यहाँ पे बेरोजगारी होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अपराध हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि बेरोजगारी पे निर्भर करता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होते हैं जो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दो से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में संबंध स्थापित करते हैं या संबंध उपस्थित होने की संभावना को प्रदर्शित करते हैं। इसका उदाहरण है समाज में जितनी गरीबी होगी, जितनी ज़्यादा असाक्षरता होगी, उतना ही अपराध बढ़ेगा और डेवलपमेंट ऑब्स्ट्रक्ट होगा, मतलब अवरुद्ध होगा। तो दोस्तों, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तीसरा है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में रिसर्चर ना केवल वेरिएबल्स के बीच में उपस्थित संबंध को बताता है अपितु उस संबंध का नेचर क्या है वो भी स्पेसिफाई करता है। जैसे उन सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स का स्टडी GPA कम होता है जो खेल या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें संबंध तथा उसकी डायरेक्शन दोनों ही मौजूद है। मतलब खेलने वाले स्टूडेंट्स का स्टडी GPA इफेक्ट होता है और उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव साइड, तो इसमें दोनों ही चीज़ उपस्थित है। चौथा है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ पर वेरिएबल के बीच उपस्थित संबंध की डायरेक्शन बताने के लिए कोई पास्ट ट्रेंड या पास्ट डाटा उपलब्ध नहीं होता है। जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट के स्टडी स्कोर्स उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किए गए पार्टिसिपेशन पर निर्भर करते हैं। तो क्लियर है, यहाँ वेरिएबल के बीच में संबंध तो बताया गया है परंतु उसका नेचर या उसकी दिशा नहीं बताई गई है कि वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। पांचवा है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस यह बताता है कि वेरिएबल्स के बीच कुछ रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है, परंतु ये हाइपोथेसिस यह नहीं बताता कि वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होने की वो पुष्टि नहीं करता। सिक्स्थ है कैजुअल हाइपोथेसिस। कैजुअल हाइपोथेसिस दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उपस्थित होने की संभावना को प्रपोज करता है। जैसे वो सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान ना देने की वजह से स्टडीज़ में कम स्कोर कर पाते हैं। अब रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से ये प्रूव करेगा कि ऐसा होता है, मतलब ये रिलेशनशिप उसने प्रपोज किया है। अब ये एक्चुअल में होता है या नहीं होता है ये डिफरेंट टेस्ट से पता चलेगा। सातवां और आठवां है हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस और डिडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस बहुत सी ऑब्जर्वेशन, बहुत सा डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसके एनालिसिस से बनी हुई थ्योरी पर आधारित होता है। मतलब ये स्पेसिफिक लेवल ऑफ फोकस से स्टार्ट होकर जनरल लेवल ऑफ फोकस पर जाता है विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस एंड पैटर्न ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डाटा। जबकि डिडक्टिव हाइपोथेसिस इंडक्टिव हाइपोथेसिस के एकदम विपरीत होता है। यह एक थ्योरी से स्टार्ट होता है और उसे डाटा की हेल्प से
उस थ्योरी के इफेक्ट्स को वेरीफाई और टेस्टिफाई करता है। मतलब ये एक थ्योरी से जनरल फिनोमिना की तरफ जाता है। नोवा है नल हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस ये मानता है कि स्टडी के वेरिएबल के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। जैसे हाई स्कूल के दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के स्तर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है, फिर चाहे स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हो या ना करता हो। और अगर कोई सैंपल हमारे इस अजम्पशन, मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस है, उससे डिफर करता है, तो वो मात्र सैंपलिंग में होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से ही हो रहा है। दसवां है ऑल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप के होने का दावा करता है। जैसे जब रिसर्चर म्यूजिक और इमोशन के बीच में रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, तो H1 मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो H1 से डिनोट होगा कुछ इस प्रकार बनेगा। फास्ट म्यूजिक को पार्टिसिपेंट ने ज़्यादा खुशनुमा बताया है एज कम्पेयर टू स्लो म्यूजिक, जबकि नल हाइपोथेसिस इस प्रकार बनेगा जो H0 से डिनोट होगा। पार्टिसिपेंट ने फास्ट म्यूजिक और स्लो म्यूजिक दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर क्रिएट नहीं किया, मतलब दोनों को बराबर बताया है। 11वां है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में लगाए गए अनुमान है जो या तो किसी फिनोमिना को सपोर्ट करता है या उसे रिजेक्ट करता है। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को मिलाकर ही स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के लिए हमें बहुत से कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ कॉन्सेप्ट इस प्रकार हैं। पहला है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस लेवल से मतलब है उस संभावना का जिसमें हमारा ट्रू नल हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो जाता है, और इसी को हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं। यह अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा के लिए निम्न वैल्यू यूज की जाती हैं। 0.05 मींस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, 0.01 मींस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, और 0.10 मींस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है। यूजुअली अल्फा के लिए ये तीन वैल्यू यूज की जाती हैं। हालांकि अल्फा क्रिटिकल रीजन को भी डिनोट करता है, और ये 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरा है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है, इस रीजन में पड़ने वाली वैल्यू से H0 मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है, और उस ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सिग्निफिकेंट भी माना जाता है। तीसरा है कॉन्फिडेंस रीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टेड रीजन। जब वैल्यूज इस रीजन में लाई करती है तो नल हाइपोथेसिस मतलब H0 हमारा एक्सेप्ट माना जाता है। चौथा है क्रिटिकल वैल्यू। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से मिली वैल्यूज जो क्रिटिकल रीजन को एक्सेप्टेंस रीजन या कॉन्फिडेंस रीजन से अलग करती है, उसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। पांचवा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। और जो वो एवरेज डिस्टेंस होता है वो मीन से लिया जाता है या एवरेज स्कोर से लिया जाता है, मतलब मीन से डिफरेंट मदों की औसत दूरी को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। सिक्स्थ है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर वो वैल्यू है जो कि मीन वैल्यू से मदों की औसत दूरी को दर्शाता है। सातवां है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम उन कुल वैल्यूज को कहते हैं जिनको हमने बदलने की छूट दे रखी हो, मतलब उनको हम बदल सकते हैं और वहां तक हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डलेगा। आठवां है वन टेल टेस्ट। वो टेस्ट जिसमें क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एकमात्र दिशा में उपस्थित हो, उसे हम वन टेल टेस्ट कहते हैं। दूसरा है टू टेल टेस्ट। ये वो टेस्ट है जिसमें क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों दिशाओं में उपस्थित हो, मतलब लेफ्ट में भी हो राइट में भी हो, उसे हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम फॉर्मुलेट कर ही नहीं पाएंगे अपने हाइपोथेसिस को। अब आगे चलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए बेसिकली तीन अप्रोच निर्धारित की गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली है टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्रोच। यह अप्रोच हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सबसे पुरानी अप्रोच मानी जाती है। इसमें रिसर्चर डाटा के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करता है तथा उसका कंपैरिजन करता है क्रिटिकल वैल्यू, मतलब जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट से वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं क्रिटिकल वैल्यू से। अगर टेस्ट की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा है पी वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू अप्रोच में रिसर्चर टेस्ट कंडक्ट करके पी वैल्यू जनरेट करता है तथा उसको सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करता है। अगर पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से कम मिलती है तो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है। तीसरा है कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच। कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाती है तथा अपने द्वारा लाई गई हाइपोथेसिस वैल्यू को जांचती है कि वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में फॉल कर रही है नहीं कर रही है। अगर हाइपोथेसिस वैल्यू कॉन्फिडेंस रीजन में फॉल नहीं कर रही है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है।
और अगर इसके विपरीत वो कॉन्फिडेंस रीजन में फॉल कर रही है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी तीन अप्रोचेस फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग को जानें या जो हाइपोथेसिस का प्रोसीजर होता है उसे अच्छे से समझें। उसमें पहला स्टेप है अजम्पशन। अगर किसी प्रकार की हमने कोई अजम्पशन बनाई हो तो उसे क्लियरली बताया जाना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टेट द हाइपोथेसिस। प्रत्येक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें नल हाइपोथेसिस तथा अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों को ही मेंशन करना चाहिए। हाइपोथेसिस दोनों ही इस प्रकार डिक्लेयर किए जाने चाहिए कि वे दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, मतलब कि एक का होना दूसरे के ना होने को सुनिश्चित करता हो। तीसरा है सेटअप ए सिग्निफिकेंस लेवल। क्रिटिकल रीजन स्पेसिफाई किया जाना चाहिए। कई बार रिसर्चर सिग्निफिकेंस लेवल को 0.01 या 0.05 या 0.10 चूज कर लेते हैं, परंतु मैं बता दूं कि हम सिग्निफिकेंस लेवल के तौर पर 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू चुन सकते हैं। चौथा है चूज ए टेस्ट। दोस्तों हमें एक टेस्ट को चुनना होगा जो हमारे पास उपलब्ध डाटा या स्टैटिस्टिक्स पर लागू होकर एक वैल्यू को निकाल सके। पांचवा है डिटरमाइन क्रिटिकल रीजन। यह बहुत ही आवश्यक है कि हम ना सिर्फ एक्सेप्टेंस रीजन चुने बल्कि अपना रिजेक्शन रीजन भी डिक्लेयर करें, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी जो H0 मतलब हमारे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। सिक्स्थ है डूइंग कंप्यूटेशन। जो टेस्ट हमने ऊपर डिक्लेयर किया था अब उसे हमारे पास उपलब्ध डाटा पर अप्लाई किया जाना चाहिए तथा उससे एक टेस्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाली जानी चाहिए जिसका हम आगे यूज करेंगे। सातवा है इंटरप्रेट द रिजल्ट। जांच करें कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आए हैं वो वैल्यू एक्सेप्ट रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। अगर ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही होगी तो नल हाइपोथेसिस यानी H0 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, अन्यथा H0 को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आठवां है मेक द कंक्लूजन। H0 के एक्सेप्टेंस मतलब नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के आधार पर एक प्रॉपर कंक्लूजन तैयार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे स्टेप्स या प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एरर्स की। तो दोस्तों हाइपोथेसिस में बेसिकली दो स्टैटिस्टिकल एरर्स होते हैं। पहली है टाइप 1 एरर तथा दूसरी है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को एरर ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहा जाता है तथा ये तब होती है जब हम नल हाइपोथेसिस ट्रू है परंतु फिर भी उसको रिजेक्ट कर दें, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। दूसरी है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को हम एरर ऑफ सेकंड काइंड भी कहते हैं। ये तब होती है जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है परंतु एरर के कारण वो एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसे हम टाइप 2 एरर कहते हैं। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट इन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, 3 अप्रोचेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग और स्टैटिस्टिकल एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो दोस्तों अब सवाल होता है कि हाइपोथेसिस के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसमें निम्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला है डिसीजन ऑन रिजेक्शन एट सर्टेन सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब एक सर्टेन सिग्निफिकेंस लेवल दे दिया जाता है और डिसीजन पूछा जाता है कि इसमें हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, तो ये हमारे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से है। दूसरा है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जिसको भी हमने अभी अभी अपनी इस वीडियो में पढ़ा है। तीसरा है मीनिंग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, इसके ऊपर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था। चौथा है स्टेप्स इन रिसर्च हाइपोथेसिस, जो कि हमने अभी अभी इस वीडियो में कवर किया है। पांचवा है प्री प्रोसेस टू रिसर्च हाइपोथेसिस और पोस्ट प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस। तो प्री प्रोसेस दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होता है, और पोस्ट प्रोसेस टू रिसर्च हाइपोथेसिस होता है रिसर्च डिजाइन को तैयार करना तथा उसका सिलेक्शन करना। तो दोस्तों अब हमने पढ़ लिया है कि इसके अंदर हमारे क्वेश्चन किस किस प्रकार के आ सकते हैं या आज तक आए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।